दोस्तों, क्या आप भी न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं? क्या आप भी न्यूजीलैंड की जॉब्स या न्यूजीलैंड का वीजा पाना चाहते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि जॉब्स अप्लाई करें कहाँ, वीजा के बारे में पता करें कहाँ, किससे बातचीत करी जाए, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कुछ भी समझ नहीं आ रहा दोस्तों? तो आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपके सारे सवालों का जो है जवाब मैं देने वाला हूं। ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आपको बताने वाला हूं कि ऐसी वेबसाइट जिस वेबसाइट पे आपको मिल सकती है अक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वाली जॉब्स। जी हां दोस्तों, अगर आप सही स्किल्स के साथ अप्लाई करते हैं, सही एक्सपीरियंस, सही क्वालिफिकेशंस और सही डॉक्यूमेंट्स के साथ इस वेबसाइट पे जाकर जॉब अप्लाई करते हैं, तो आपको भी न्यूजीलैंड का वीजा और जॉब मिल सकती है। दोस्तों, जिस वेबसाइट की बात मैं कर रहा हूं वो बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है दोस्तों, पिछले 25 सालों से जो है न्यूजीलैंड जाने वालों की मदद करती है। अगर आप इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, पाकिस्तान से हैं, श्रीलंका से हैं, डजंट मैटर, अगर आपके पास सही स्किल्स हैं दोस्तों, तो इस वेबसाइट पे आपकी मदद की जा सकती है। मैं आपको बता रहा हूं वर्किंग इन न्यूजीलैंड वेबसाइट के बारे में। इस वेबसाइट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए डाल दूंगा, अदरवाइज आप गूगल पर जाकर के सर्च कर सकते हैं दोस्तों वर्किंग इन न्यूजीलैंड और आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। यहां पर आप देख सकते हैं आपको सारी की सारी जानकारी मिलेगी दोस्तों। अगर आप जॉब्स के बारे में पता करना चाहते हैं या फिर आप अगर वीजा के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, रिलोकेट करना चाहते हैं, तो हर तरीके से मदद कर सकते हैं। बेसिकली ये कहते हैं कि ये एक रिक्रूटमेंट वेबसाइट भी है, लाइसेंस्ड इमिग्रेशन एडवाइजर भी है और रिलोकेशन एक्सपर्ट भी है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो है आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, गेट न्यूजीलैंड रेजिडेंसी द डे यू लैंड, चेक आउट द ग्रीन लिस्ट जॉब्स विद रेजिडेंसी पाथवेज। यहां पर ग्रीन लिस्ट जॉब्स के बारे में बताया जा रहा है दोस्तों कि ऐसी जॉब्स होती हैं ग्रीन लिस्ट में जिस जॉब्स के लिए अप्लाई करके आप डायरेक्ट रेजिडेंसी पा सकते हैं न्यूजीलैंड की, यानी कि आप वहां के निवासी बन सकते हैं दोस्तों। तो ऐसी जॉब्स में भी आपकी मदद की जा सकती है। यहां पर ग्रीन लिस्ट वाले ग्रीन लिस्ट का जो एक ऑप्शन है उस पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं, और अगर उनमें से आपकी जॉब अवेलेबल हुई तो आप अप्लाई भी कर सकते हैं दोस्तों। साफ साफ यहां लिखा हुआ, योर न्यू लाइफ इन न्यूजीलैंड बिगिंस हियर, वी आर एक्सपर्ट्स इन जॉब्स, वीजा एंड रिलोकेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, जॉब, वीजा और रिलोकेशन में है, एक्सपर्ट है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो 25 इयर्स हेल्पिंग पीपल फाइंड देयर न्यू होम इन न्यूजीलैंड, बहुत सारे लोगों को जो है नया घर ढूंढने में मदद करते हैं न्यूजीलैंड में, यानी कि जो बसना चाहते हैं वहां जाकर के उन लोगों की बेसिकली मदद करते हैं। अगर आप स्किल्ड प्रोफेशनल हैं या फिर स्किल्ड वर्कर हैं तो आपको जो है मदद की जरूरत है दोस्तों, और आपको जो है ये मदद कर सकते हैं बहुत आसानी से। मैं किसी भी एजेंसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ, यहां पर जो जानकारी आपको दी जा रही है, जिन जॉब्स के बारे में आपको बताया जा रहा है, उन जॉब्स के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं दोस्तों, तो 100% गारंटी मैं आपको देता हूं कि आपको जॉब्स और वीजा दोनों मिल सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना, जो मैं प्रोसेस बता रहा हूं दोस्तों, इस प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। और हाँ, सही न्यूजीलैंड सीवी कवर लेटर के साथ अप्लाई करना है। सही न्यूजीलैंड सीवी कवर लेटर नहीं है तो मुझसे आप बनवा सकते हैं, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करो। अगर आप सीवी कवर लेटर के चार्ज पे करते हो दोस्तों, तो उसमें हम आपसे बातचीत भी करते हैं और आपको समझाते हैं कि क्या आपके लिए सही रहेगा क्या नहीं रहेगा, उसके बाद आपका सीवी कवर लेटर भी बनाते हैं। ठीक है, तो एक ही दाम में सारी की सारी सर्विसेज आपको मिलेगी, तो बिना सोचे समझे सीवी कवर लेटर बनवाओ और क्या करना है वो भी देख लो। ठीक है, एकदम ध्यान से देखना, क्योंकि अगर कुछ भी मिस करोगे दोस्तों तो फिर से आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ सकती है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि इफ यू आर रेडी टू मूव टू अवर लिटिल पीस ऑफ पैराडाइज, चैट टू अस फर्स्ट, वी नो ऑल द इन्स एंड आउट्स बेटर देन एनीवन एंड कैन मेक द एंटायर प्रोसेस इजी टू अंडरस्टैंड। यहां पर लिखा हुआ है कि अगर आप न्यूजीलैंड में एंटर करना चाहते हैं तो आप इनसे चैट करके जानकारी ले सकते हैं, इनको सभी चीजों का पता है, कैसे आप अंदर जा सकते हैं, कैसे बाहर जा सकते हैं, यानी कि न्यूजीलैंड के अंदर बाहर कैसे कर सकते हैं दोस्तों, सारी की सारी जानकारी आपको यहां से मिल सकती है। और चैट अगर करना चाहते हैं तो यहां स्टार्ट ईयर का एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप इनसे चैट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, न्यूजीलैंड रेजिडेंसी कुड बी इजियर देन यू थिंक, फिर से वही ग्रीन लिस्ट की जानकारी दी जा रही है, जिस पर क्लिक करके आप ग्रीन लिस्ट जॉब्स के बारे में जान सकते हैं और अगर चाहें तो उन जॉब्स के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं ताकि आपको रेजिडेंसी मिल जाए। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, जो स्किल्स और एक्सपीरियंसेस आपसे मांगे जा रहे हैं वो अगर आप नहीं दोगे तो हमारी गारंटी भी किसी काम की नहीं है दोस्तों, आपको वो चीजें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी जो कि एम्प्लॉयर आपसे चाहता है। अगर आप स्किल्स नहीं दिखा पा रहे हो, अगर आप एक्सपीरियंस दिखा नहीं पा रहे हो, तो आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी उनकी नजरों में। अपनी वैल्यू बनाना चाहते हो तो स्किल्स गेन करना चालू करो, अच्छी खासी पढ़ाई करना चालू करो, आज नहीं एक साल बाद अप्लाई करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहां नीचे देखेंगे एक ऑप्शन है, फाइंड अ जॉब इन न्यूजीलैंड, यहां पर लिखा हुआ है सर्च अवर लिस्टिंग्स टू फाइंड द परफेक्ट जॉब फॉर यू, ऑल अवर रोल्स आर सर्टिफाइड विद इमिग्रेशन न्यूजीलैंड, अक्रेडिटेड एम्प्लॉयर्स एन एसेंशियल पार्ट ऑफ गेटिंग यू टू न्यूजीलैंड। साफ साफ लिखा हुआ है कि इनके यहां पर जितनी भी जॉब्स लिस्टेड हैं वो सारी की सारी जॉब्स जो है इमिग्रेशन न्यूजीलैंड अक्रेडिटेड एम्प्लॉयर्स द्वारा है। ठीक है, तो अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि न्यूजीलैंड के बड़े बड़े जो वीजाज हैं, अगर आप वो पाना चाहते हैं तो आपको अक्रेडिटेड एम्प्लॉयर्स के अंडर जॉब ढूंढनी पड़ती है न्यूजीलैंड में, और वो सारी की सारी जॉब्स आपको कहां मिलेंगी, इस वेबसाइट पे। इस वेबसाइट पे आ जाना है आपको दोस्तों, यहां पर जो भी जॉब्स आपको मिल रही हैं अगर उसमें
में से कोई भी जॉब आपके लायक है तो उस जॉब के लिए अप्लाई कर देना है। सीवी कवर लेटर सही होना चाहिए, बस याद रखिएगा दोस्तों। यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एक्सप्लोर जॉब्स, उस पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही एक्सप्लोर जॉब्स पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहां पर आप देख सकते हैं एक नई वेबसाइट ओपन हो चुकी है। यहां पर लिखा हुआ है फाइंड योर जॉब्स इन न्यूजीलैंड, आप चाहें तो सर्च करके फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। सपोज आपको पूरी लिस्ट नहीं देखनी है, अगर इसमें यहां पर 1000 जॉब्स अवेलेबल है तो एक एक करके नहीं सर्च करना चाहते हो, आप डायरेक्ट सर्च करना चाहते हो, जो भी आपकी जॉब रोल है, जॉब टाइटल है, वो डालिए, सर्च करिए। अगर आपके लायक जॉब होगी तो आपके सामने आ जाएगी, नहीं होगी तो नहीं आएगी, आपका टाइम भी बचेगा दोस्तों, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं फाइंड जॉब्स विद अक्रेडिटेड न्यूजीलैंड एम्प्लॉयर्स, सर्च जॉब्स का एक बार फिर से ऑप्शन है, उस पर फिर से हम क्लिक करेंगे दोस्तों। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर सर्च कीवर्ड वगैरह ऑप्शन आया है, उसके बाद आप देख सकते हैं मल्टीमीडिया डेवलपर की जॉब अवेलेबल है, इलेक्ट्रीशियन की जॉब अवेलेबल है, मेंटल हेल्थ नर्सेज की जॉब अवेलेबल है, रजिस्टर्ड नर्सेज की जॉब अवेलेबल है। रजिस्टर्ड नर्सेज की आपकी बहुत सारी जॉब्स देखने के लिए मिलेंगी दोस्तों यहाँ पर, मिडवाइफ्स, थिएटर नर्सेज, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट्स, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एनेस्थेटिक टेक्नीशियंस, डीजल मैकेनिक की भी जॉब अवेलेबल है, स्टेरलाइजेशन टेक्नीशियंस की जॉब अवेलेबल है, ड्रेन लेयरर, उसके बाद यहाँ पर नेवल आर्किटेक्ट, उसके बाद हाई स्कूल सेकेंडरी टीचर्स, इंटरनल ऑडिटर, क्रेन ऑपरेटर, एक्सटर्नल ऑडिटर, साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, एनालिस्ट प्रोग्रामर, ये सारी की सारी जॉब्स ऐसी जॉब्स है दोस्तों जो कि अक्रेडिटेड एम्प्लॉयर द्वारा है, और इन सभी जॉब्स के लिए फॉरेन वर्कर्स को हायर किया जा रहा है दोस्तों। किसी भी रैंडम जॉब पे अगर मैं क्लिक करूँ, आपको दिखाता हूँ दोस्तों, यहाँ से ये मैंने किया स्क्रॉल और रैंडम जॉब पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर एनेस्थेटिक टेक्नीशियन की जॉब आई है, इस पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद जो है आपको जानकारी देखने के लिए मिलेंगी कि आर यू क्वालिफाइड एनेस्थेटिक टेक्नीशियन, यहाँ पर आपको जानकारी 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, ठीक है। डू यू ड्रीम ऑफ लिविंग एंड वर्किंग इन न्यूजीलैंड एंड एंजॉयिंग ए ग्रेट लाइफ बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस, यहाँ पर वो भी दिया जा रहा है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई नाउ एंड स्टार्ट योर जर्नी टू न्यूजीलैंड, हाउ टू अप्लाई, अप्लाई करने का जो है नीचे एक ऑप्शन है जिसपे आप अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। उसके बाद जो है जो भी प्रोसेस आपको बताया जाएगा उस प्रोसेस के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर देखिए प्रोसेस के लिए आपको क्या बताया जा रहा है, अप्लाई करने के लिए आपको कंप्लीट ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल नंबर डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालिए, करंट कंट्री क्या है वो आप डाल सकते हैं, यहाँ पर इंडिया आपको सिलेक्ट करना है, करंट ऑक्यूपेशन क्या है वो आप डाल सकते हैं, कौन सा काम कर रहे हैं, न्यूजीलैंड का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है या नहीं है वो आप डाल सकते हैं, येस और नो इन प्रोसेस, तो नो अगर आपके पास नहीं है तो। उसके बाद सीवी अपलोड करेंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे, और उसके बाद जो है आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा दोस्तों कि अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं इस वेबसाइट से, तो पहले जो है यहाँ पर चैट वैट करके जानकारी ले सकते हैं किस तरीके से आपकी मदद की जा सकती है, किस तरीके से मदद नहीं की जा सकती है दोस्तों। जो भी मतलब आपको जानकारी मिल रही है ना, वो निचोड़ लीजिए इस वेबसाइट पे जाकर के, सब कुछ पता कर लीजिए। आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट ये होने वाली है अगर आप न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं तो। मैं किसी भी तरीके से इस वेबसाइट का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन जितनी जानकारी यहां पर अवेलेबल है, जिस तरीके से ये दावा कर रहे हैं दोस्तों, ये आपके लिए बेस्ट है। आप खुद एक बार चेक कीजिएगा, आपको यहां पर सारी जॉब्स भी मिलेंगी दोस्तों, जॉब कौन कौन सी इन डिमांड है वो भी बताया जा रहा है, और किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं वो भी बताया जा रहा है, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिल रहा है। आई होप आपको जो है जानकारी अच्छी लगी हुई, जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, ऐसी ही जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलेगी, और सारी की सारी जानकारी मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूं दोस्तों। जहां से भी जानकारी लेके आता हूं वो वहीं सोर्स पे आपको लेके जाता हूं, ताकि आपको भी मेरी बातों पे भरोसा रहे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए दोस्तों, और ये वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यूं ही हमारे साथ बने रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।